अब हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे, उसका नाम है एथोटाइड या डिस्काइनेटिक सीपी। इनको भी हम पॉइंट में डिफाइन करेंगे। नंबर वन, इट अकर्स इन 15% केसेस। नंबर टू, इट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू बेसल गैंग्लिया, इट्स अ ब्रेन पार्ट। नंबर थ्री, बेसल गैंग्लिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। नंबर फोर, इट कॉजेज बोथ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक एंड इनवॉलेंट्री मोशंस। नंबर फाइव, चिल्ड्रन कैन नॉट होल्ड देमसेल्व्स अपराइट इन सिटिंग एंड वॉकिंग। नंबर सिक्स, पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। नंबर फोर टाइप है मिक्स्ड सीपी, इसको भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। नंबर वन, इट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू सेवरल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। नंबर टू, इट मे बी मिक्सचर ऑफ स्पैस्टिक मीन्स हाइपरटोनिक, अटॉक्सिक मीन्स हाइपोटोनिक एंड एथोटाइड मीन्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी। इसके तीन कॉलम्स बनेंगे। नंबर वन, टाइप्स ऑफ सीपी। दूसरे कॉलम में लिखेंगे लिम्ब्स अफेक्टेड, जबकि तीसरे कॉलम की हेडिंग होगी लोकेशन ऑफ अफेक्टेड लिम्ब्स। चलें आए शुरू करते हैं। नंबर वन टाइप है मोनोप्लीजिया। लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे वन, लोकेशन होगी यूजुअली वन आर्म बट कैन बी एनी लिम्ब। नंबर टू, हेमिप्लीजिया, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टू, लोकेशन होगी वन आर्म वन लेग सेम साइड। नंबर थ्री, डबल हेमिप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे फोर, लोकेशन में लिखेंगे बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स अफेक्टेड, वन बॉडी साइड मोर इन्वॉल्व्ड। नंबर फोर लिखेंगे डायप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे फोर, लोकेशन में लिखेंगे बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स अफेक्टेड, मोस्टली बोथ लेग्स। नंबर फाइव में लिखेंगे पैराप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्ट में लिखेंगे टू, लोकेशन में लिखेंगे बोथ लेग्स अफेक्टेड। नंबर सिक्स, ट्राइप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे थ्री, लोकेशन में लिखेंगे थ्री लिम्ब्स अफेक्टेड यूजुअली बोथ आर्म्स एंड वन लेग। नंबर सेवन में लिखेंगे क्वाड्रीप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे फोर, लोकेशन में लिखेंगे ऑल फोर लिम्ब्स इक्वली अफेक्टेड। नंबर एट लिखेंगे पेंटाप्लीजिया, लिम्ब्स अफेक्टेड में लिखेंगे फाइव, लोकेशन में लिखेंगे बोथ लेग्स बोथ आर्म्स एंड द हेड अफेक्टेड। अगली हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ सीपी, इसको भी पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर वन, नो प्रॉपर क्योर इज अवेलेबल।
नंबर टू, मैग्नीशियम सल्फेट ट्रीटमेंट बिफोर बर्थ. नंबर थ्री, सर्जरी टू रिमूव मसल टाइटनेस. नंबर फोर, मेडिकेशन टू रिलैक्स मसल्स. नंबर फाइव, फिजिकल थेरेपी. नंबर सिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी. नंबर सेवन, स्पीच थेरेपी. नंबर एट, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. नंबर नाइन, मसाज थेरेपी. नंबर टेन, हैथा योगा. नंबर अलेवन, व्हीलचेयर एंड क्रच. नंबर ट्वेल्व, रोलिंग वॉकर. नंबर थर्टीन, कंप्यूटर विद वॉइस सिंथेसाइजर. अगली हेडिंग है डायग्नोसिस ऑफ सीपी. नंबर वन, एपिगर टेस्ट. इट मेजर्स न्यू बोन्स ओवरऑल हेल्थ. नंबर टू, ऑब्लिकल कॉर्ड ब्लड गैस टेस्ट. इट मेजर्स हाउ मच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द बेबी ब्लड विच इफेक्ट ब्लड एसिडिटी. ब्लड कंटेनिंग मोर एसिडिटी हैव मोर चांसेस ऑफ विक्टम ऑफ सीपी. न्यूरो इमेजिंग, इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी एंड अल्ट्रासाउंड आएंगे. नंबर फोर होगा रिफ्लेक्स टेस्ट. नंबर फाइव, मसल टोन, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट. नंबर सिक्स, डेवलपमेंटल टेस्ट. काजेज ऑफ सीपी, नंबर वन पॉइंट होगा प्रीनेटल मींस बिफोर बर्थ. आगे ब्रैकेट में लिखेंगे 70%. यहाँ 70% से मुराद चांसेस हैं. इसको भी पॉइंट में डिफाइन करेंगे. नंबर वन होगा इनॉक्सिया. नंबर टू, इन्फेक्शन. नंबर थ्री, जेनेटिक फैक्टर्स. नंबर फोर, आरएच फैक्टर्स. नंबर फाइव, कॉग्निटल ब्रेन मेलफॉर्मेशन. दूसरी पॉइंट होगी प्रीनेटल मींस ड्यूरिंग बर्थ. ब्रैकेट में लिखेंगे 5-10%. इसको भी पॉइंट में लिखेंगे. नंबर वन, एनोक्सिया. नंबर टू, प्रीमेच्योरिटी. नंबर थ्री, लो बर्थ वेट. नंबर फोर, अनस्किल्ड नर्सेज. जबकि तीसरी कास्ट इसकी होगी पोस्टनेटल मींस आफ्टर बर्थ. इसको भी पॉइंट में लिखेंगे. नंबर वन, ट्रामा. नंबर टू, इन्फेक्शन. और नंबर थ्री, ब्रेन इंजरी. आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई तशरीह के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.